नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे किरण प्रकाशन की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे ये बुक जो दोस्तों है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान का बुक है, क्लास सिक्स के लिए। और इस बुक में सामान्य ज्ञान को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर किया गया। पाठ्यक्रम पे आधारित है, लेटेस्ट पाठ्यक्रम पे मॉडल प्रैक्टिस सेट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2022-23 का आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। क्लासिक्स के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो इस बुक को आप चाहें तो ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। किरण प्रकाशन का ये बुक है, ₹155 इस बुक का MRP है, ठीक है। और भी बुक आते हैं जैसे सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस वर्क बुक भी आप ले सकते हैं क्लासिक्स का। नवोदय विद्यालय 2023 से क्लासिक्स का गाइड और प्रैक्टिस बुक दोस्तों ले सकते हैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है, ठीक है। और भी बुक है जिनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ पेज आपको देखने को मिलेगा 176 है, ठीक है। चलिए इस बुक के अंदर के कंटेंट को हम देखते हैं। यहाँ दोस्तों देखिएगा, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2024 सामान्य ज्ञान का ये बुक है। पाठ्यक्रम पे न्यू पाठ्यक्रम जो है, लेटेस्ट पाठ्यक्रम है उसको सम्मिलित किया गया है। और सामान्य अध्ययन का मॉडल प्रैक्टिस सेट ये है जिसमें 2022 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ₹155 MRP है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिल जाएगा। न्यू एडिशन है दोस्तों ये, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा विषय सूची, तो विषय सूची में दैनिक जीवन में प्रयुक्त उपकरण एवं उनके उपयोग है। भारत के लोकप्रिय व्यक्ति एवं राष्ट्रीय प्रतीक, भारत के प्रमुख धर्म, कला एवं संस्कृति, रक्षा, खेलकूद, क्रीड़ा खेलकूद हो गया, ज्ञानेंद्रीय हो गया, जानवर और इंसानों के बीच संबंध हो गया, स्वाद पहचान हो गया, खाना पकाने और संरक्षित करने की तकनीक है, अंकुरण और बीज प्रसरण, पारंपरिक जल संचयन तकनीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में पानी के उपयोग है, जल प्रदूषण एवं सूक्ष्म जीव रोग है, पर्वतीय भूभाग के जीवन शैली की अवधारणा है, ऐतिहासिक स्मारक। टोटल आपको 100 पेज यहाँ टोटल नंबर ऑफ पेज मैंने बताया 176 बताया, ठीक है। उसके बाद भी टॉपिक है पृथ्वी के आकार एवं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। इसके बाद गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, विभिन्न क्षेत्रों में जीव भोजन, सांस्कृतिक आवास और भाषा, विभिन्न जानवरों के बच्चे के नाम। उसके बाद यहाँ पे पौधे, जानवरों के शरीर के अंगों के कार्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति हस्तियाँ, भारतीय साहित्य संस्कृति पुरस्कार, प्राकृतिक आपदाएं, वाष्पीकरण संगठन, जल चक्र और किसानों का जीवन चक्र, जनजातीय समुदाय, वन उत्पादन विविध, मॉडल प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3। उसके बाद विगत वर्षों का क्वेश्चन पेपर 2022-23, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे दैनिक ये टॉपिक है, सारे टॉपिक को थ्योरी में कवर किया गया, बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया गया। टोटल 176 आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ। इस बुक में आपको थ्योरी भी कवर किया गया है। यहाँ दोस्तों देखिएगा, उपकरण हो गया, उनका उपयोग हो गया, काफ़ी अच्छे तरीके से फिगर के माध्यम से समझाया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से। साइंटिफिक डिवाइस एंड देयर यूज इन डेली लाइफ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया, बच्चों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद भारत के लोकप्रिय व्यक्ति एवं राष्ट्रीय प्रतीक है, होमी जहांगीर भाभा हो गया, सी वी रमन हो गया, काफ़ी बेहतरीन तरीके से सारे जानकारी को इस बुक के अंदर दिया गया फिगर के माध्यम से। और पढ़ने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों इस बुक को, ठीक है। क्लासिक्स के लिए ये दोस्तों बुक है। आगे दोस्तों अगर हम देखें तो भारत के प्रमुख धर्म हो गए, सभी धर्म के बारे में बताया गया है कि हिंदू धर्म के 80% लोग हैं, मुस्लिम धर्म के 14% लोग हैं। सारा कुछ यहाँ बताया गया है कि कौन सा धर्म का कितना वेटेज है। वैदिक काल के बारे में, सभी धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, उसके बाद आधुनिक हिंदू धर्म के बारे में, सारा कुछ आपको बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कला एवं संस्कृति को भी कवर किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट टेबल आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कला एवं संस्कृति को कवर किया गया। उसके बाद रक्षा हो गया, डिफेंस हो गया, हर एक जानकारी को साझा यहाँ किया गया, उससे रिलेटेड टेबल यहाँ दिया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, सारा क्रूज मिसाइल क्या होता है, सारा कुछ बेसिक जानकारी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। खासकर मैं बता दूँ दोस्तों, प्रिंटिंग क्वालिटी इस बुक का काफ़ी अच्छा है, पेपर क्वालिटी भी ठीक ठाक है। खेलकूद हो गया, सारे खेल के बारे में पूरी जानकारी आपको इस बुक के अंदर देखने को मिलने वाला है। सुपर सेंस हो गया, ज्ञानेंद्रिय हो गया, उनके बारे में जानकारी देखने को मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, उनसे रिलेटेड फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आगे चलते हैं तो जानवरों और इंसानों के बीच में संबंध है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया गया दोस्तों फिगर के माध्यम से, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। टेस्ट, स्वाद और पाचन, ठीक है, फिगर के माध्यम से देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ समझाया गया है। उसके बाद अंकुरण, बीज प्रसरण और पारंपरिक जल संचयन तकनीकें फिगर के माध्यम से समझाया गया, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और जो थ्योरी देने का तरीका है वो भी काफ़ी अच्छा है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी के प्रयोग है, ठीक है। उसके बाद हर एक चीज़ को यहाँ अच्छे तरीके से समझाया गया। वाटर पॉल्यूशन मतलब जल प्रदूषण और सूक्ष्म रोग है। उसके बाद यहाँ दोस्तों देखिए जो इम्पोर्टेंट जानकारी है इस छोटे से टेबल में कवर किया गया है, जीवन शैली की अवधारणा है। तो उसके बाद ऐतिहासिक स्मारक जो इम्पोर्टेंट है उनको टेबल में कवर किया गया है। उसके बाद विश्व का यानी पृथ्वी का आकार एवं गुरुत्वाकर्षण, देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ फिगर क्लियर फिगर दिया गया है। गैर नवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है फिगर के माध्यम से समझाया गया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद विभिन्न क्षेत्रों के भोजन सांस्कृतिक आवास और भाषा उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पौधे और जानवरों के शरीर के अंगों के कार्य हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके बाद मेजर ह्यूमन सिस्टम, उसके बाद इंटरनेशनल फंड IMF है, उसके बाद भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक हस्तियाँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा जो भी पॉपुलर है सेलिब्रिटी है उनके बारे में जानकारी, भारतीय साहित्य एवं सांस्कृतिक पुरस्कार, उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार, सारे पुरस्कार के बारे में जानकारी, नेचुरल क्लाइमेट से क्लाइमेट्स प्राकृतिक आपदाएँ। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा वाष्पीकरण सघन और जल चक्र। उसके बाद आगे किसानों का जीवन चक्र, उसके बाद जनजातीय समुदाय एवं वन उत्पाद, उसके बाद मिसलेनियस में भी सारे टॉपिक को कवर किया गया। जैसे मैं आपको दिखा दूँ नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर आविष्कार हो गया, उसका आविष्कारक हो गया, रसायन विज्ञान के आविष्कारक हो गया, सबसे ऊँची सबसे मतलब ऊँचे पर्वत ये सब हो गया, महत्वपूर्ण धरना हो गया, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं भारत में सबसे पहले हो गए उसको भी कवर किया गया है। फिर मॉडल प्रैक्टिस सेट भी आपको दिया गया है, सेट नंबर 1, ऐसे करके 2-3 सेट दिए गए, मुझे लगता है 3 है। उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको हर एक प्रैक्टिस सेट का डिटेल सॉल्यूशन दोस्तों देखने को मिलेगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, उसका डिटेल सॉल्यूशन। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट 3, उसका डिटेल सॉल्यूशन। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी पूछा गया, जैसे नॉकआउट शब्द प्रयोग किस खेल में होता है, तो ये आपसे पूछा गया है। रिक्टर पैमाने पर निम्न में से कौन सा रीडिंग गंभीर क्षति को कहा हो सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक के अंदर कवर किया गया, 176 पेज है और सारे टॉपिक को कवर किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर हम देखें इनके कुछ और भी बुक के बारे में, तो ये खान सर की बुक है, ठीक है ना, तो इन्हें भी आप ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन के सारे एग्जाम के लिए बुक आते हैं और इन्हें आप आसानी से ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन के बुक बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं वो किरण पब्लिकेशन के बुक फॉलो करते हैं, तो इस बुक को आपको बिना सोचे लेना चाहिए, बुक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आपने वीडियो अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।